राजस्थान के सीकर में मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम का नारा लगाने से मना करने पर 52 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले ड्राइवर गफ्फार अहमद कछुआ ने मारपीट की घटना को लेकर सीकर सदर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़ित ने बताया कि उन पर हमला करने वाले 2 लोगों ने उनकी दाढ़ी भी खींची और उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए कहा। गफ्फार ने दोनों पर उनकी घड़ी और पैसे चुराने का भी आरोप लगाया है। मारपीट में गफ्फार के दांत टूट गए हैं, आंख और गाल पर भी चोटें आई हैं। जांच में पता चला कि ये दोनों आरोपी अपनी गाड़ी पार्क कर शराब का सेवन कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने गफ्फार की गाड़ी रोकी और उनके साथ मारपीट की।